अपने खून से धरती माँ को सींचते थे। अंग्रेज सब इतना अत्याचार मचाए थे, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे माँ के गर्भ में, पता उनको लग जाता था कि फलाने के घरे फलाने की औरत के पेट में बच्चा पलत बा, जबरी पेटवा के चिड़वाई ले, बचवा के निकाल के बाबू फेंक के भाला के नोक पे लोक ले। कितने मुश्किल से देश आजाद हुआ, जिस आजादी में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, बिस्मिल खान जी, तमाम लोग थे, आप गांधी जी थे, जिसमें जिस अवसर पे हम लोग कार्यक्रम यहां मना रहे हैं, चिन्ना साहब थे, तमाम लोग अपने हिंदुस्तान को आज आजाद कर दिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था, लेकिन कुछ वजह से आप उधर हम नहीं जाएंगे, कुछ वजह से अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया। अच्छा मैं बताती हूं कि बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा से प्रधान जी विकास होला, दो भाई में बंटवारा हो गया तो कंपटीशन हो जाला कि भैया एक बीघा लिखौला तो हम चार बीघा लिखाई, ऐसे परिवार आगे बढ़ेला। लेकिन जब गद्दारी होले प्रधान जी तब दर्द होला, इसलिए कहना है बिरहा कि आप लोग ध्यान से सुनिए तो कहीं ना कहीं खून खोल जाई। आई मास्टर साहब 21 रुपए का पुरस्कार मोहम्मद तस्लीम के भाई, अच्छा मोहम्मद तस्लीम के मालिक भोला भाई जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। आई मास्टर साहब भाई नाराज हैं। जो दिन भर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं प्रधान जी, लल्लू प्रधान जी परिश्रम करते हैं कि मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, लेकिन चार साल जो अग्निपथ योजना चली है इसके चलते हमारे नौजवान भाई आज नाराज हैं कि चार साल नौकरी करेंगे फिर वापस घर बैठना है, इससे अच्छा तो हम अपना फैसला स्वयं लेंगे। आप मानिक चंद्र रहतो से क्या रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बिरहावे क्लाइन कव्वाली लगल मास्टर साहब।
तस्लीम भैया, जब आप लोगों के वो कार्यक्रम होला कौवाली वाला, तो वही में मुकाबला चलेला। बिरहा ऐसा चीज है कि माँ हर चीज मिली। देखा एक लाइन कौवाली, लेकिन बड़ा बेजोड़ कौवाली बा। कई समय साहब पहे खून चमन के लिए, 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 चमन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए। लेकिन फिर में भाव भाव पर गौर करिए बैठे साहब। देखिए लल्लू प्रधान पेट्रोल टंकी जो बगल में आपका बा, प्रधान जी की तरफ से बीरस के भाव पर एक से एक रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। कहना है मालिक धनराज प्रजापति दादाजी की तरफ से, क्या बात है, एक से एक रुपए का पुरस्कार बीरस के भाव पर, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है रुके का नहीं, बढ़ा जो कदम है रुके का नहीं, बढ़ा जो कदम है रुके का नहीं, बढ़ा जो कदम है रुके का नहीं, रुके का नहीं, सबके जाओ हमारे महिला। अब धीरे धीरे खींच के लंबा कर दिया जी हम। भाई अब इन थोड़ा सा डरा, थोड़ा डरा मत, हम ऐसा गायिका आइला के डांटी लाना, प्यार से काम करवा ले लिया, तो प्यार से एकदम बढ़िया से, तनिको होपलेस मत हो, नंबर एक का काम हो तो हर। भले कुल खराब हो जाता। बाबू रुद्र प्रताप सिंह दयालापुर के धरती से बीरस के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार, सब भाई के नमस्ते प्रणाम। लेकिन कहानी यहीं से शुरू हो गई, कैसे कहां से लिखल गई भाई चल। सहती जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सहती जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, बहुत अच्छा। अगर छोट पड़ा था 2-3 ठीटा रख दे नीचे। अरे मालिक उनके छोट बनाई दले हुए। अरे तो हमान खींच के लंबा कर दिया जी। का छोट मरद ना होला का, इहो अपने मेहरारू का मरद हुआ, चरचर लड़का का बाप हुआ प्रेम भैया, इनको छोटे मत समझा। लेकिन मेहरारू है नहीं मतिन हुई, मेहरारू तो नंबर एक का पागल हुआ प्रधान जी, मेहरारू तो नंबर एक का टॉप पाई गिले। अच्छा देखी हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन बिरहा का मेन पॉइंट अपनी जगह, अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा प्रधान जी को पंखा की व्यवस्था करा दी, नहीं देखिए खोलवा दी, बहुत अब गर्म होता। ए भैया एक खोल के पिछवा डाल दो, हल्का सवैया जी आराम मिल जाये। नहीं नहीं करा दिए प्रधान जी की। अब देखे बाबू अपने यूपी जिला मथुरा जहां कृष्ण
कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही मथुरा के रहे वाला। मथुरा में एक गांव बा जौने गांव का नाम बा खरैला। खरैला के रहे वाला एक व्यक्ति, एक किसान, जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। परिवार बड़ा खुशी बा, हेमराज स्नातक का पढ़ाई पूरा कैलन। एक दिन अपने पापा से कहलन, कहत का हुआ गीत बदल गई मास्टर। ओह गीत बड़ी प्यारी लगल बा, कोनो हमारे मास्टर नियन गांव को भौजाई रहल हो, कोनो देवर के देखलस त इशारा से बुलाव था। कैसे? एक्सक्यूज मी, मतलब कम हियर, सिट डाउन। देवरवा पढ़ा लिखा लाल दौड़ के पहुंचल, लफ दिना भौजी कोराम उठौल। तू का करत रहला, फोटो खींचत रहली। भौजैया ऐसे करत है, चरवा पकड़ के आते दे, बताई ना देवर बबुआ, बताई ना। तो देवरवा खलस करे, बताई ना, बताई ना का कैले बड़ू। कैसन आइठा थे बहु? भौजैया खलस, सब हम सारी साया ना पहिनब। तनिकार के धा देव के काहे बदे ले, हवा पानी गर्मी बहुत है। भौजैया खलस, सही साड़ी साया ना पहिना। मेक्सी का करी भूसा ढोवे खातिर। ये सारे के गंवा में कुल ढोवे ही नहीं ना। तो तारे गंवा से लेके आए हैं ना। ओहे गीत के लाइन बमाइटर साहब। जितना क्रोध है कुल तोहरे पे उतरी। हाँ, एक गौर करी हा। नहीं बहन मत मारा, बहन मार देवा तो पब्लिक में हल्ला हो जाई कि उजाला का हारमोनियम मास्टर मार खेले। कल इनके भूसा वाले घर में, भूसा वाले घर में बंद कई कई मर रही है, वही में बैठा के इनके बढ़िया से भूसा सुलगा दी हल जाई। आ दिन भर वही में तुझसे कई बार और करिया हो जाई हो। प्रेमचंद भैया एक डाई का सेकल हो, तब इतना करिया हुआ। अब की बार से कहिया, अब की बार प्रोग्राम में देखिया इनके लोग। आप यूट्यूब पर सुने हीरा मोरी चुलबुल बिरहा संग्राम प्रयागराज से, बड़े भैया जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। सब भाई इनके नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद कचा रही, लेकिन बाबू बिरहा पर ध्यान दी है। भैया ए भैया प्रधान जी, थोड़ा से अब 10-15 मिनट शांति चाहो, अब बैठी ना, बिरावा सुन ले, पैसा रुपया दे के करावले हैं। अच्छा देखी फौजी जब, सॉरी हेमराज
गैलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन फौजी जवान बन गइलन। हेमराज के शादी भी हो गई एक गीता नाम के लड़की से शादी हो गई। हेमराज के एगो बेटा भी पैदा हो गया। देखा संजोग साल दो साल का बात है शादी भी हो गई फौजी जब हेमराज भर्ती भी हो गई लन एगो लड़का का बाप भी बन गई लन। ड्यूटी से घरे आना जाना बा तब तक बाबू एक दिन की बात है फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा वही बॉर्डरवे पर जवान का ड्यूटी लगल बा। तब ना भयल का गीत बदल गई मास्टर आप मोहम्मद तस्लीम भट्टा मालिक बड़े भैया भट्टा मालिक हैं माई सरस्वती आपका भट्टा बनौले रहे। हम बताइला कि इंसान के जिंदगी में हर इंसान के जिंदगी में प्रधान जी तीन वो चीज का बहुत बड़ी आवश्यकता पड़े ले किथुआ किथुआ के रोटी कपड़ा मेहरारू रोटी कपड़ा मकान। वाह मकान तो भाड़ो मिल जाए मेहरारू मेहरारू कहाँ भाड़ा मिले हैं। अच्छा ओ नहीं सही बतौला है मकान जकर ना बनल हो भैया से संपर्क करिया बढ़िया ईटा देलन। आप डॉक्टर अमित यादव बारो से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बिरहा के बीरस के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। आप अरविंद यादव बीडीसी लल्लू प्रधान जी के आप साला है यह पेट्रोल टंकिया पर हलन बड़ा तौगर आदमी हो। अच्छा सार भनोई में बहुत पटत रिश्ता बड़ा बरकरार रहे बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन बिरहा में प्रधान जी बड़ा बिजोड़ तर्ज लगल बा ये तर्ज के स्वर्गीय राम दे गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गाँव है। कैसे है का कोई गाई प्रधान जी हमारे पापा भी बिरहा गावेलन आज भी बतावल पहले भी बतावे कहा बेटा जौने समय धुन के स्वर्गीय राम दे गुरु गाय देना तब मुरदन के जोश आ जा। कितना तो बनारस से टिकटी लेके भाग गई ने जौने में इनकर दादा कई टिकटी लेके भागल हूँ पागल कहीं गए उहे गीत बा जौने गीत के स्वर्गीय राम दे गुरु अपने अंदाज में गावे प्रधान जी हमार अंदाज बा कैसे जवान गौर करिएगा बाबू भैया 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 इनके देखत होगा और इनका आधी रतिया उड़ जाएगा।
ये और छोट जाइए हां बटुरत जाइए बहन देखी हेमराज सीमा पर तैनात तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ कर देते हैं। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज और सुधाकर कदम को आगे बढ़ाते हैं और तब तक जो आतंकवादी है, जनवरी का महीना था प्रधान जी, जनवरी में आप लोग देखिला ज्यादा कुहरा पड़ेला, एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि जो मैं कल्पना करके बता रही हूँ, आप लोग देखे होंगे टीवी पर, न्यूज के माध्यम से देखे होंगे, पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे। अब हेमराज सुधाकर जात हुए और आतंकवादिया पपियावा सवाई के वही झाड़ी में घुस के छिप के और निशाना सधले हुए, फौजी जवानन के पता ना बा काहे जनवरी में बतौली ना कि कुहरा पड़त रहल, चारों तरफ कुहरा ही कुहरा, अंधेरा बा, अंधेरा का फायदा उ पपियावा से उठा ललन। कैसे उठौले माइटर, हिंदुस्तान के फौजी जवान कदम आगे बढ़ रहा है, तब ले हुआ आतंक बदिया ना निशाना साथ के बाबू गोली चला दलन, सनसनाती हुई गोली आई हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। देखिए ओ पापी सब सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मिशन है हमें हिंदुस्तानी फौजी जिंदा मिल जाएगा, जीवित मिल जाएगा तो उससे हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। जब दोनों जवानन के पैर में गोली लगल बाबू, हिंदुस्तानी जवान जमीन पर गिर गईलन, तब ले पपियावा सो दौड़ के जा करके दोनों जवानन के पकड़ के कटीला तार काट के सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चल गईलन। अब देखिए इतना ही नहीं, आमने सामने दो खंभा है, हाय हाय हाय, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियावा से बांध दहलन। इतना ही नहीं मेरे बाबू, क्या वो इंसान नहीं है? अरे देश का बंटवारा हुआ है लेकिन इंसानियत तो खोना नहीं चाहिए। एक काला ड्रेस में आया जो पाकिस्तानी व्यक्ति था, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है, सवाल कर देता है, बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। हेमराज को अरे साला हिंदुस्तान का राज मैं बता दूंगा, गरज कर बोला फौजी जवान पैर में गोली लगी है, बोला रे दगले की औलाद हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज
जो करना सो कर ले। कहो सरे साला, मैं तुझसे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूं, साला तू हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। अरे तू क्या गंगा दिखाएगा रे, मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। तब ले पपियावा बाबू खींच के तलवरिया न यही सुधाकर हेमराज के दहिनी बहिया पर चला धलस, बहिया कट गई और शरीर का बैलेंस ऐसे झुक गया, शरीर से सारा खून निकल के जमीन पर पौटे लगल। अब वो आतंकवादी बोला हेमराज से, देख ले यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा, अगर तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो तेरे साथ में कसतई ऐसा काम नहीं करता। अतवले भैया हो वो है तलवरिया लेके सुधाकर के तरफ चलल, अखंभे में बधी हुई शरीर, सुधाकर के आंख से आंसू छलक आया, आवत बा पापी पहले भाग के काटी। सुधाकर कला भैया, ना भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा, अपनी जान को बचा लूंगा, लेकिन तू मेरे पास में आ जा, तेरे कान में धीरे से बताऊंगा। जैसे ही सुधाकर के तरफ पापी चलत बा, आई बतिया भैया हो हेमराज सुन लहलन, देखिए पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, लेकिन गरज कर फौजी जवान बोला, ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम रे सुधाकर, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सारे लोग तो सुरक्षित रहेंगे, अपने जान के लिए तो हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। सुधाकर के पास तब ले पपियावा दौड़ के पहुंचल कि बतिया हम सुन लई, लेकिन बारे हिंदुस्तानी जवान खंभे में बधी हुई शरीर है, क्या कर सकता है, लेकिन है हिंदुस्तानी जवान, खून बल गया, खेखार के पपियावा के मुहावा पर कला यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। कहलो सरे साला, उससे पूछा, साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुझसे पूछा, अरे मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। वही गुस्सा में पपियावा खींच के तलवरिया चलोलस हो भैया, सुधाकर के यह गर्दनिया काट लहलस, अब वही नशा में आकर के हेमराज के भी गर्दन को पापी काट दिया। आ इतना ही नहीं, वही तलवार से दोनों जवनवन का पेटवा चीर दलस। आप लोग बतौनी ना, जे बराबर भाई न्यूज देखत हुई जानत हुई, ऐसे पेटवा चीर के पेट का सारा सिस्टम निकाल कर फेंक दिया बाहर, पेटवा के खोखा बना दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियावा ये भैया हो सिलाई कदालस, अब वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया के लिए आए के हिंदुस्तान सीमा में कदलन। आया हर सीमा पे खलबली मचलबा कि दो गो जवान गायब, पता ना चलत बा। कई दिन हुआ जब हिंदुस्तान के जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं दो जवान लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं, समझ नहीं पाए, और जब थोड़ा से करीब में जाते हैं तो आवाक हो गए। फौजी जवान देखिए, अरे ये तो है हिंदुस्तानी, लेकिन गर्दन का पता नहीं है, पेट काफी ऊंचाई ले सुझा हुआ है, दाल में कुछ काला है, उसलिए वो पापी सब बम रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान सब जाएंगे लाश के साथ अचानक छेड़छाड़ करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा और जितने जवान आसपास रहेंगे सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन मेरे बाबू दिमाग लगा दिए फौजी जवान, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। हाय हाय हाय, बम को सुरक्षित निकाला गया, लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में धई के गमी मनावत हुए,
अब यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, थोड़ा से दिमकवा वहाँ लेके चली मथुरा में, हेमराज के दुल्हिन स्नान करके बाबू गीता सिंगार करे बैठल ही, तब ले दुनिया के मालिक एक ठे असगुन दिखा दलन। असगुन का दिखाओ थो मास्टर साहब? अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैया से नूरावा छी काल हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैया से नूरावा छी काल हो, से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सिम से खबरिया हो, कापत के लो लो बुलंद लाइनिया हो, कापत के लो लो बुलंद लाइनिया हो, अंकोया बजला नाची जरा गौर करेंगे बाबू। गीता बेचारी ऐसे ही बार चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में लगावे गईली, बारे दुनिया के मालिक अचानक शरीरिये कांप उठल, और सिंदूर का डिबिया हाथ से गिरल छूटल जमीन पर गिर गयल, सारा सिंदूर बिखर गयल, दुल्हनिया एठे कलेजा पे हाथ रखलस, एक हथवा से ये अचरवा पकड़ के हैसा सेनुरा के बटोरत है, और मालिक के मनावत ही हमरे सोनू के पापा पर कौनो आफत न आवे। देखिए जिसके घर के भाई बेटा फौजी चमार रहते हैं ना, तो थोड़ा से अगर सुनगुन पता ये चलता कि हाँ कहीं बम विस्फोट भया है, तो पूरे परिवार का टंगरी हिल जाले। दुल्हनिया इस कलेजा पे हाथ रख ली, और तबले भैया हो सीमा से फोन आ ही गयल, फोन को रिसीव करती है गीता, बोलती हेलो, हाँ सोनू के पापा। गीता तो ये समझ गई लगता है मेरे पति कई दिन के बाद फोन कर रहे हैं, उन्हीं का नंबर है, वही बात कर रहे हैं। भैया बैठ जा, भैया बैठ जा, भैया के बैठा दा, बैठा दा। कहे हेलो, तो सीमा से आवाज आई, हाँ हेलो सोनू के पापा? नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूं। तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? जी हाँ हाँ सर हाँ। आप कौन है? सर मैं उनकी मैडम गीता हूं। अच्छा गीता बेटा ये बताओ परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग, तो जरा किसी और को फोन दीजिए। गीता कहली सर इस समय वर्तमान में मैं अकेली घर पे हूं, तो एक बात बोलूं सर? हाँ बेटा बोलो। सोनू के पापा से कई दिन हो गया बात नहीं हो पा रही है, नंबर नहीं लग रहा है, क्या बात हो जाएगी? प्लीज सर बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप गया। अरे दुल्हन अपने पति से बात करने के लिए कह रही है, अगर मैं कहीं ये बता देता हूँ कि आपका पति शहीद हो गया, तो शायद ये दुल्हन अपने पति का मौत बर्दाश्त न कर पावे और इसकी मौत हो जा। मेजर साहब बतिया घुमाए दलन, अब बतिया घुमाए कोई फोनवा पर गीता से कहत हुआ का कोला मास्टर साहब? सरंगा है ए ए भैया बस पांच मिनट उसे बर्दाश्त के लिए रहा, इनाम उनाम रही तो बोल दे, वो चली ना प्रधान जी।
चली इनाम खातिर छूट है, लेकिन बतियावा खातिर छूट ना रही। काहे से देखा इतना प्यारी पब्लिक आज मिलल है, कसम से बताओती हमारे डेली प्रोग्राम गई ला, लेकिन पब्लिक प्रधान जी कबो कबो मिले ले। आबे पब्लिक से उजाला कितना खुशी वो उजाले का दिल जानत बा। चाय वाला भैया अपने दुकानदारी में हमार बिरहवा मत खराब करा। आजा भैया बैठ जा, 10 मिनट और रह गल बा, गा ले तो फिर अपन बेच ली हा, जब उनका सजवा बजवा बजा लगी तो। हाँ मेजर साहब ओई फलवा पर बताओ थो का बतलो माइचो साहब। इहे मेजर साहब बताओ थो का हम बतानी बेटी का हम सोना बजर करे जा कई के सुनला खबरिया यारे सुनला खबरिया हो लुट गईला दुनिया को हार हथवा से फनवा छुटके गिरला जमीनिया पर गिरला जमीनिया पर माई बाबू पीटी पीटी रोवाला छतिया यारे रोवाला छतिया हो बिगड़ाला बूढ़ा होती हमार जी। गौर करेंगे बाबू बिरहा हमार बीरस से प्रधान जी करुणस में आ गई। आप दुल्हन के वही फनवा पर मेजर साहब बतावे लगल बेटा अपने दिल को तुम सबसे पहले मना लो। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं? सर ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा है सर, प्लीज प्लीज सर अपनी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज सर। अरे बेटा मेरी बात सुन तो, मैं किस फौजी जवान से बात कर रहा हूं? तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कौन पत्नी अपने पति का शहीद होना बर्दाश्त कर सकती है? अरराय को ही अंगनवा में गिरली बाबू माई ऐलन अरराय के गिरल हुआ। आज एक सुहागन के मांग का सेनूर धोवात बा, कलैया का चूड़ी ना फूटत राल हो भैया, जबरदस्ती दीवाल में लड़ा लड़ा के चूड़ी फोरात बा, पायल पाँव का पायल निकालल जात बा, पाँव का मीना निकालल जात बा, सफेद साड़ी पहनावल जात बा, यहाँ का बतिया छोड़ा थोड़ा से दिमकवा आप लोग अब फिर लेके चला जहाँ फौजी जवानन का लसिया रखल बा, वहाँ का होत बा मास्टर साहब आल्हा का लाइन बा। मिनट और ऐसे शांति चाह प्रधान जी, बिरहा का आखिरी भाव आप लोग समझ ली हैं। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे आई त
तब गजब हो गया। ताबूत के खोलल गल तो गीता अपने पति के पहचानते नहीं। अच्छा वो पहचानी है कैसे? गर्दन कटल बा, बाह कटल बा, पेट चीड़ल बा, आखिर पहचान में कैसे आएगा फौजी जवान? रोने लगी गीता, अरे आप लोगों ने क्या किया? पब्लिक कैसे जुटल बा? प्रशासन के लोग हैं जो फौजी जवान लाश को लेकर आए थे, उनको डांटने लगती है गीता, आप लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया मेरे साथ, मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं, ए मेरे सोनू के पापा नहीं है, ले जाइए किसी और के, मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी और के घर ले जाइए, इस लाश से मुलाकात करवा दीजिए, ए सोनू का पापा नहीं है। बाप रे बप्पा, बुढ़वा बाप लसिया के लेके बैठल है, फफक फफक के रोवे लगल है, कले करे गीता तू पागल हो गई है रे, नहीं पहचान रही अपना बेटा यमराज है, तू मेरे पास आओ, यही जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे, पति शहीद हो गया अपने पति को नहीं पहचानी। बाप बुढ़वा बाप बलाई के गीता के पास में बिठाए के बाबू ये लसिया का कफन हटा दलन, आ जब पैर से कफन हटौलन तो पेड़ से हेमराज गिरल ललन, एक पैर में चोट लगल रहल जो निशानी गवाही कर गई गीता अपने पति के पहचान गईली, वही लसिया पर गिरली बेहोश हो गईली। आ जब गीता बेहोश हो गईली तो अंतिम संस्कार करे का बेला आई, आ जब अंतिम संस्कार करने की बेला आई तब का भेल मास्टर साहब, आप जवाहिर सिंह यादव प्रधान जी नासिरपट्टी से बिरहा के करुणस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। दुनिया में लोग बतावेला बाबू बोझ, सबसे बड़ा बोझ, लोग कहेला कि घर में बहिन बिटिया सयान हो जाली, सर की बोझ बन जाती है, लेकिन नहीं मेरे बाबू। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू गौर करिएगा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई बोझ है तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। क्या बात है? आज बुढ़वा बाप लसिया के उठावत हुआ है भैया, लसिया जमीनिया पर हथवा से छूट के गिर जाता, देखा ताकत कुल खत्म हो गई। बुढ़वा बाप के कंधे पर ऐसे ठे गमछा रहल, उठाई के मुहवा के मूनत हुआ, अब मूनत हुआ ये लिए कि अपने दिल से अगर कोनो बात निकल जाई तो जमाना के लोग कहिए कायर बाप का बेटा रहल, ए लिए शहीद हो गया। देखा बाप के शरम बहिन बा, ऐसे मुहवा मूनत हुए तबले आवाज फार के कलेजा आई गल, और लसिया से सवाल कर लगल, कले करे बेटा, करे हमराज बुढ़वा बाप का ख्याल ना कैले रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा, अरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दलाए हीरा। ये तनाई कही के बुढ़वा बाप गिरलन बेहोश हो गईलन, परिवार में कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। प्रधान जी आप जैसे गांव के सम्मानित प्रधान, आप लोग जैसे सम्मानित इंसान, प्रशासन के लोग ले जा कर के बाबू अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब अंतिम संस्कार हो गए तो जनरल साहब अइलन, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं और दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश के था वो वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जनरल साहब कहना है पिताजी चिंता मत करिए, जो होना था हो गया, मैं वादा करता हूं जितने गांव के सारे बच्चे हैं ना सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा।
अरे बाप रे बप्पा, बुढ़ावा बाप के बुढ़ाई में शरीरिये कांप उठल, हथवा जोड़ी लेले मेजर साहब के समनवा। कहला हे साहब, अर्थी भर्ती रुपया पैसा कुछ होना चाहिए, हई लाल लोग भर्ती हो जाई, सीमा पे जाके गर्दनिया कटा लई, सरकार कुछ होना बोली। तो वो बाप का लाल जाई, तब बाप के बुझाई, सरकार के का बुझाई हो साहब, कुछ ना में चाहिए। मेजर साहब सोचे लगलन, जनरल साहब सोचे लगलन, ये बुढ़ा पिता, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया, पैसा नहीं चाहिए यार, जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, आखिर क्या चाहिए पिताजी बोलिए। तब मेजर साहब से, जनरल साहब से बुढ़वा बाप मांगत हुअन। जरा आप लोग भी गौर करिहा बाबू कि बुढ़वा बाप का मांगत हुअन। मेजर साहब के, सॉरी जनरल साहब के सामने हाथ जोड़ करके रोते हैं बुढ़वा बाप। ए साहब, हमार हिंदुस्तान का छोटा भाई पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया वो पपियावा रखले बा, का हमरे बेटा का ताकत कमजोर रहल, बाह के काटल गयल, पेट के चीड़ल गयल, पेट में बम रखल गयल, गर्दन के काटल गयल, हमार लाल कुछ ना बोल पौलस। ए साहब, हम ये रिक्वेस्ट करत बानी, बस हमरे लाल कौए पाकिस्तान से गर्दनिया मंगा दा, जब ले जियब तब ले तड़पब, अब बेटा के याद में मर जाई, हमरे आंती हमरे आत्मा के शांति कबो ना भेटाई। लेकिन जनरल साहब चले गए, आज तक बाबू कुछ पता नहीं चला कि दोनों जवानों का गर्दन कहाँ गया। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आवाज उठाए थे कि 2 सर का बदला हम 10 सर लाएंगे, लेकिन प्रधान जी आज तक कोई पता नहीं चला। देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन एक कष्ट है कि हमारे दोनों हिंदुस्तान के जवानों का गर्दन आखिर क्यों पाकिस्तान में है, उसको तो मंगवाना चाहिए। लेकिन बस फौजी जवान शहीद क्या हुए कि वहां राजनीति की रोटी सेकना शुरू लोग कर देते हैं। इसलिए मैं बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहती हूं कि फौजी जवान के मौत पर राजनीति कोबो ना होके के जाइए। इसलिए कि जब भी भर्ती होता है तो पता है कौन होता है, कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। पीएम सीएम का लड़का कहां हूं मैं, पीएम सीएम हो गए मोदी और योगी लड़का ना हूं ना, ना। अच्छा, इनके जानकारी हो भाई, हम ना जानकारी हो, वहां तक हम पहुंचे नहीं ला। तो देखिए, जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, अगर देश बचाना है तो अपने मत का, अपना जो ये अधिकार है, इसको अच्छी जगह रखिए जो हमें आपको बचा दे। क्योंकि जैसे आप लोगों ने अग्निपथ योजना देखा है, अब इसके आगे हम नहीं चलेंगे क्योंकि 30 मिनट का बात रहा, बड़ा लोग टाइम दला, अब बड़े शांति से आप लोग सुन ला, कुछ गाओ बजाओ में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। बिरहा के आखिरी लाइन में मास्टर उठा के